नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी हो संक्षिप्त में विस्तृत रूप से देने का प्रयास किया जाता है। आज हम बात करेंगे रीट वैकेंसी 2020 के बारे में। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान जनरल नॉलेज वेटेज को लेकर, पाठ्यक्रम किस तारीख तक जारी होगा इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक पद के लिए आयोजित होने वाली रीट परीक्षा का सिलेबस बहुत जल्द जारी किया जाएगा। राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा ने यह बात कही। फिलहाल परीक्षा के कई पहलुओं को लेकर चर्चा की जा रही है। जनरल नॉलेज का वेटेज क्या होगा इस पर भी मंथन जारी है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए थे कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 31,000 पद भरने के लिए अगले वर्ष 2 अगस्त 2020 को रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे बेरोजगार असारथियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि जनजात उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए इनमें से 6,080 पद TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सिलेबस कब तक जारी होगा। इसमें बताया गया है कि जल्द जारी होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस जनवरी के द्वितीय पक्ष में जारी कर दिया जाएगा। जनवरी के द्वितीय पक्ष में, मेरा कहने का तात्पर्य है कि 15 जनवरी के बाद और 30 जनवरी के पहले सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। आप सभी तैयारी बनाए रखें, इसकी परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित की जाएगी, जो अभी की जानकारी है। आगे जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। हो सकता है कि पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाए।